सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ज्ञान स्टूडियो। तो मैं आज के वीडियो में बहुत खास होने वाला गाइस, मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप बिजली बिल ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हो घर बैठे। गाइस होता है क्या है, बहुत सारे बंदे लोग बिजली बिल पेमेंट नहीं कर पाता है, समय नहीं दे पाता है, और अगर जाता भी है तो बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ता है उसे। तो गाइस वैसे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ घर बैठे आप बिजली बिल पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल है और उसमें अकाउंट लिंक है, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, फिर कुछ भी है, तो उससे आप घर बैठे बिजली बिल आप पेमेंट कर सकते हो, पूरा सिक्योर है गाइस। तो गाइस मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे कि आप कैसे ऑनलाइन बिजली बिल आप पेमेंट कर सकते हो गाइस। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं होगा, और यहाँ तक कि मैं दिखाऊँगा आपको कि कहाँ, मतलब नेट के अंदर भी दिखाऊँगा कि बिजली बिल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं सारा डिटेल दिखाऊँगा इस वीडियो में, और मैं पेमेंट भी करूँगा। मैं यहाँ पर अभी आपके सामने पेमेंट करूंगा, मैंने एक पेमेंट कर लिया पहले से, मैं एक और पेमेंट कर रहा हूं, तो सोचा कि चलो भाई लोग के लिए एक वीडियो बना देता हूं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, और वीडियो वॉच करना ताकि हर वीडियो में आप कहीं, मतलब कहीं मिस्टेक ना हो और आपको पूरा पूरा समझ में आए। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। एंड गाइस मैं आ गया अपने गूगल पे में। तो गाइस आपको यहाँ पर, मैं झारखंड से हूँ, तो गाइस देख रहे हो फर्स्ट में जो झारखंड लिखा हुआ है और वहाँ पर एक लोगो बना हुआ है बिजली का, तो आपको उसी में चले जाना है। तो आपका क्या पता अलग होगा किसी शहर से हो, तो गिरिडीह का, झारखंड का यही है, तो मैं इसमें चले जाता हूं। और यहां पर जाने के बाद आपको आना लिंक अकाउंट में, आप देख रहे हो यहां पे लिंक अकाउंट में, जिसका भी करना है वहां पर चले जाना है। उसके बाद गाइस आपको तीन स्टेप फॉलो करना है, एक है कंज्यूमर नंबर, एक है सब डिविज़न कोड, और लास्ट में है अकाउंट नेम। तो मैं यहाँ पर तीनों को आपको पहले फिल करना पड़ेगा, उसका बिजली बिल में मिल जाएगा। और मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, राइट साइड में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर हिस्से में, सब ये आपको मिल जाएगा डिटेल। तो गाइस मैं पहले यहाँ पे डाल देता हूँ उसका नंबर, जो KD से स्टार्ट होता है, और कुछ 00 है जो भी है, तो आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है सेम देख के, ठीक है, वो मिस्टेक नहीं करना, उसी से बिजली बिल पेमेंट होता है, मतलब वही मेन पार्ट उसका होता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नंबर, 20 था, ओके। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल दिया हूँ उसके 309, ओके। उसके बाद आप आ जाना है यहाँ पर गाइस। तो सेकेंड में क्या गाइस, यहाँ सबका अलग अलग होता है, जहाँ जहाँ का रहने वाला होता है सर का वहाँ, तो मेरा गिरिडीह अर्बन है, तो मैं गिरिडीह यू डालूंगा यहाँ पे, ओके। तो मैं मेरा अपना है, तो आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप पोस्टर में दिख रहा है, तो वह डालना। उसका जो नाम होगा, जो जिसके नाम से बिजली बिल कटता है गाइस, उसका नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में, आप देख रहे हो बढ़िया से, तो वहाँ से आप उसका नाम ले लेना, उसका नाम जो भी होगा यहाँ पर फिल कर देना। तो मैं इसे फिल कर लेता हूँ पहले, इसका नाम जो भी है, ओके गाइस। तो नाम फिल करने के बाद गाइस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेगा गाइस इस स्टेप से, उसके बाद यहाँ पे लिंक अकाउंट फिर दिया गाइस, फिर से उसमें प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट, प्रेस करने के बाद उसका जो अमाउंट बाकी है गाइस बिजली बिल का, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी यहाँ सर्च हो रहा है, वो आने वाला है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अकाउंट लिंक हो रहा है, देखो गाइस अकाउंट लिंक हो गया, यहाँ पे पे बिल आ गया गैस, इसका है 337 है, 337 है, तो वो है। तो मैं इसे अब यहाँ पे कर देता हूँ, अभी मैं पे कर रहा हूँ गैस। तब तो गैस जब तक पे हो रहा है गैस, तो मैं आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ गैस, मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और ऑल बेल आइकन पर डाल के छोड़ देना गैस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं सारा वीडियो आपके लिए लाता हूँ इस तरह से यूज़फुल, ताकि आपको कभी कहीं कुछ परेशानी ना हो। और भी अगर कहीं कुछ परेशानी होता है ऑनलाइन में कहीं भी कुछ, तो हमसे डिस्कस करना, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ बना ही देंगे आपके लिए भाई। तो देखो मेरा यहाँ पर पेमेंट हो गया गैस सक्सेसफुल, देख रहे हो आप। तो यहाँ सक्सेसफुल होने के बाद मैं दिखाऊंगा और अदर जाकर के नेट में, गूगल में, कि वहाँ से आप इसे वॉच कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, और क्या बचा हुआ है क्या, वो सारा कुछ देख सकते हो गैस। तो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ गैस, जिसका भी पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल सक्सेसफुल दिख रहा है गैस। यहाँ पे पेमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है, बिल पेमेंट है ना, बिल पेमेंट प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट है गैस यहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहे हो, आप मैं चलता हूँ अपने गूगल में, और आपको वहाँ से दिखाऊँगा आपको कि गैस यहाँ से आप देख सकते हो कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ सक्सेसफुल। एंड गैस मैं यहाँ पर आ गया हूँ, देख रहे हो आप गूगल में। तो गूगल में आने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आपको JBVNL। तो मेरे यहाँ पे लिंक आ गया, देख रहे हो ये, तो इसके ओपन करना है गैस, मैं शुरू दिखा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट में जो लिंक आपको दिख रहा है गैस, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में जो लिंक दिख रहा है गैस, आपको इसमें चले आना है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद गैस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, तो इससे कट कर लेना है। उसके बाद गैस यहाँ पर देख रहे हो चले आना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करना है,
और यहाँ पे मैं सब जूम करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ पे बिल पे आपको चले आना है। ओके, पे बिल पे क्लिक करोगे तो आपको इंटरफेस ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, सर्च बिल बाय में क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना कंज्यूमर नंबर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर नंबर जो था वो आप यहाँ डाल देना है। तो मेरा था यहाँ पे KD003309 था गाइस, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाना है यहाँ पे सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट पे। उसके बाद जो आपका यहाँ पे था सब डिवीजन कोड जो था आपका गाइस, तो वहाँ से आप ले लेना सेम वही जो मैंने शुरू में बताया था। तो मेरा था यहाँ पे ग्रीडी अर्बन। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कहाँ पे है वो, तो आ गया भाई, आ गया यहाँ पे, तो मैं इसे ले लिया। उसके बाद गाइस आपको कर देना है यहाँ पे सबमिट। ओके, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूरा इसका डिटेल गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आप बिजली बिल पे किया है। ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कितना बिजली बिल कितना बार आप पे किए हुए गया है वो आ गया उस पर, ये पूरा उसका डिटेल है। ठीक है, पूरा यहाँ पे 24 महीना का डिटेल है, 24 महीना का मतलब 2 साल का डिटेल यहाँ पे आया है। तो आपको यहाँ पे चले आना है, मैंने जो अभी पे किया गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऊपर में यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। ठीक है, इस महीने का डेट लिखा हुआ है, मैंने कितना पे किया यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा हुआ कितना मैंने इस महीना में अभी पेड किया है। टाइम वाम सब कुछ मतलब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद गाइस आपको आ जाना है यहाँ पे व्यू में। ओके, अभी का तो मैंने यहाँ पे व्यू में क्लिक कर लिया है, और व्यू में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इसका पेमेंट हुआ है। सो तो गाइस यहाँ पे उसका कंज्यूमर नंबर जो था यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नंबर उसका आ गया है पूरा। ठीक है, तो इसका मोबाइल नंबर जो ऐड किया गया है वो भी आ गया है, नंबर भी उसका आ गया। तो अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे आ गया है बिल ऑलरेडी पेमेंट, पढ़ रहे हो आप यहाँ पे। तो गाइस ये रहा उसका रिसीविंग। तो आप इसे प्रिंट करके आप रख सकते हो, या फिर नहीं भी रखोगे जब जरूरत पड़े तो उससे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, देख रहे हो आप यहाँ पे मतलब नीचे में लेफ्ट राइट में प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो किसी कंप्यूटर से आप, या फिर इसे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा तो मैं डाउनलोड करके भी दिखाऊँगा आपको। तो डायरेक्ट यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये प्रिंट नहीं करना है, आपको इसे रख लेना है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और गाइस ऑल बेल आइकन प्रेस करके छोड़ देना गाइस डाल के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।